गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। जावा की क्लास मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ था कि हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैंने आपको देखिए जावा में अपलेट पढ़ाया, स्विंग भी पढ़ा दिया आपको। अपलेट यानी कि कोर जावा, कोर जावा के अंदर मैंने फ्रेम क्रिएट करना भी बताया आपको और अपलेट भी बताया, और स्विंग के अंदर मैंने जे फ्रेम यूज करना भी आपको बताया और जे अपलेट। तो आज का वीडियो मैं जे फ्रेम के कुछ और कुछ जे अपलेट पे बना रहा हूँ, और ये लास्ट वीडियो होगा मेरा आपके लिए। और मंडे से आपकी क्लास नहीं चलेगी, आप ध्यान दीजिए, इसका रिविज़न करेंगे, लेकिन साथ में मैं आपको कुछ असाइनमेंट देता रहूँगा बीच बीच में। एक आपको फॉर्म डिजाइन करके मैंने कई बार बोला है कि भेजना है, यदि आप नहीं भेजते हैं तो फिर मैं आउटपुट बना के भेजूँगा आपको, वो फॉर्म डिजाइन करके भेजना ही पड़ेगा। आप चाहे जे अपलेट में बनाएं, चाहे अपलेट में बनाएं, चाहे फ्रेम में बनाएं, चाहे जे फ्रेम में बनाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि कोर जावा या स्विंग में, आप दो में से किसी का भी। मैं दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, कोर जावा में आपने सीखा फ्रेम और प्लस क्या सीखा आपने, अपलेट। स्विंग के अंदर हमने सीखा जे अपलेट और जे फ्रेम, तो वो आपके अकॉर्डिंग है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है स्विंग में, तो ये आप ध्यान रखिएगा इन बातों को। और आपको इसको भेजना ही भेजना है, नहीं अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है इंटरनल मार्क्स पर। असाइनमेंट के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे एक फॉर्म चाहिए, वो मैं आपको सेंड भी करूँगा, सभी को फॉर्म क्रिएट करके भेजना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जावा में। जावा में देखिए हम पढ़ रहे थे अपलेट्स के अंदर, हमने जे फ्रेम तक, यहाँ तक की इवेंट हैंडलिंग भी हमने आपको पढ़ा दिया है। उसी के आगे आज देखते हैं थोड़ा, ये देखिए जे फ्रेम भी हमने सीखा हुआ था, स्विंग एंड जे एफ सी भी मैंने आपको बता दिया था, जावा फाउंडेशन क्लास भी मैंने आपको बता दिया था, इसके कंपोनेंट भी बता दिए थे स्विंग के, जे पैनल हो जाता है, जे फ्रेम, जे विंडो, जे लेवल यूज कर लेते हैं हम। आज इसी के आगे मेन हमको सीखना है, देखिए बॉर्डर लेआउट मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, ये आप चाहे कोर जावा का फ्रेम यूज करें या अपलेट यूज करें या जे अपलेट यूज करें या जे फ्रेम यूज करें, सभी जगह बॉर्डर लेआउट की आवश्यकता होती है। तो आज तो पहले मैं आपको बॉर्डर लेआउट बताने जा रहा हूँ कि बॉर्डर लेआउट क्या होता है। देखिए बॉर्डर लेआउट क्या है, बॉर्डर लेआउट समझिएगा, इसको हम लेआउट मैनेजर्स के नाम से भी जानते हैं। लेआउट मैनेजर आर यूज टू द अरेंज द कंपोनेंट, कंपोनेंट को अरेंज करने का एक क्या है, तरीका है। कंपोनेंट को हम फ्रेम के अंदर किस तरीके से अरेंज करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो एक तरीका है क्या, बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट देखिए, जो आपका कंपोनेंट है तो इसको हम किस तरीके से मैनेज करना चाहते हैं इंटरफेस, दैट इंप्लीमेंट बाय ऑल द क्लासेस लेआउट मैनेजर। देखिए इतने तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, कुछ एग्जांपल्स मैं बता दूंगा, कुछ आप देख लीजिएगा, एक आपको पता चल जाएगा कि इनका मतलब क्या है। जावा AWT के अंदर बॉर्डर लेआउट हम यूज कर सकते हैं, फ्लो लेआउट यूज कर सकते हैं, ग्रिड लेआउट यूज कर सकते हैं, कार्ड लेआउट यूज कर सकते हैं, कार्ड बैग लेआउट यूज कर सकते हैं, बॉक्स लिए ये स्विंग, यहाँ तक आपका क्या हुआ नॉर्मल AWT, यहाँ से आपकी स्विंग चालू हो गए। इनमें देखिए इसकी लुकिंग का अंतर आएगा जब स्विंग हम यूज करेंगे,
स्विंग में हमारा बॉक्स लेआउट आ जाता है, ग्रुप लेआउट आ जाता है, स्क्रॉल पैनल भी हमको मिलता है। ये देखिए डिफरेंस भी है स्विंग और नॉर्मल जो हम लेआउट तैयार करेंगे उनमें, तो इनका मतलब क्या है अब आगे देख लेते हैं। बॉर्डर लेआउट देखिए, जो बॉर्डर लेआउट है वो कैसा आपका बनता है और किस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बॉर्डर लेआउट जो कंपोनेंट है, इसके रीजन्स जो सेट किए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। ये देखिए और सेंटर, कैसा मैं आउटपुट दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये कहलाता है बॉर्डर लेआउट। हम कंपोनेंट को नॉर्थ में सेट करना चाह रहे हैं कि सेंटर में रखना चाह रहे हैं कि साउथ में कि ईस्ट में कि वेस्ट में, यदि हम वहाँ बॉर्डर लेआउट दे देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्ट ईस्ट सेंटर साउथ हम दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं वो कंपोनेंट सेट हो जाते हैं। तो ये आप स्विंग में भी यूज कर सकते हैं देखिए, और AWT नॉर्मल में भी। स्विंग में कुछ एक्स्ट्रा पाए जाते हैं कंपोनेंट, वो मैंने आपको यहाँ दिखाया, जो स्विंग के साथ आप और भी लेआउट यूज कर सकते हैं वो ये हैं। इनको हम स्विंग में यूज कर सकते हैं लेकिन नॉर्मल AWT कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते हैं, स्क्रॉल पैनल लेआउट और स्प्रिंग लेआउट को आदि बहुत सारे लेआउट भी हैं। तो मैं पहले तो एक एग्जांपल लेता हूँ इसका लेआउट का, तब आपको समझ में आएगा। देखिए बॉर्डर लेआउट मैं आपको पहले बना के दिखाता हूँ, स्विंग में ही है। आप स्विंग जे अपलेट किसी में भी इसको यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो नोटपैड ओपन कर लेते हैं, नोटपैड प्लस प्लस, ये देखिए शायद हमने बनाया भी था क्या, नहीं बनाया अभी, चलिए देख लेते हैं। जे अपलेट नहीं, मैं इसको फ्रेम में रख लेता हूँ। हमारा बॉर्डर लेआउट है ये, डॉट जावा से मैंने इसको सेव किया। पहले मैं इसको रन करके आपको दिखाना चाहूँगा, डॉट जावा और यहाँ पे हमने जावा और ये देखिए इस तरीके से ये नॉर्मल लेआउट हमने यूज किया है। ये पूरा सेंटर पार्ट हुआ हमारा, ये नॉर्थ पार्ट हुआ है, ये वेस्ट हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये साउथ हुआ। इस तरीके से हम इस फ्रेम में कंपोनेंट इन पार्ट को यूज करके सेट कर सकते हैं। अब मैं इसका कोड आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ नॉर्मली जे फ्रेम लिया इसने, टाइटल वगैरह सेट नहीं किया, एक बटन हमने लिया है। ये बटन में देखिए हमने लिखा है, सारी बटन अलग अलग जाके हमने सेट कर दिए, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में और एक सेंटर में। सभी बटन्स को हम चाहते तो एक में ही सेट कर सकते थे, वो हम पे डिपेंड करता है। ऐड किया हमने बॉर्डर लेआउट, अब बॉर्डर लेआउट आपने लिखा और इसको कहाँ रखना है ये देखिए आपने डिसाइड किया, नॉर्थ में, इसको कहाँ रखना है साउथ में, इसको कहाँ रखना है ईस्ट में, इसको कहाँ रखना है वेस्ट में, इसको कहाँ रखना है सेंटर में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसको कहाँ सेट करना चाहते हैं। साइज विजुअल हुआ, पब्लिक में गए सीधा प्रिंट करा दिया। अब मान के चलिए मैं सभी को नॉर्थ कर दूँ, तो मैं आपको चेंजेस करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए तीन को मैंने नॉर्थ कर दिया और इसको मैंने रन किया, ये देखिए अब इसकी विंडो आप देखिएगा, ये देखिए अब ये नॉर्थ में, अब इधर नहीं दिख रहा है आपको, ये नॉर्थ पार्ट हमने हटा दिया, सेंटर ईस्ट वेस्ट, आया समझ में। ये इसका इफेक्ट पड़ता है बॉर्डर लेआउट का। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं, ये बटन्स हुई। बॉर्डर लेआउट आपको कहाँ देना है 1 2 3 वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके तो ये एग्जांपल मैंने बॉर्डर लेआउट को बताया। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से अगला एग्जांपल, फिर मैं कुछ एग्जांपल आपको इनको साथ में यूज करके बता दूंगा लेआउट के साथ।
ग्रिड लेआउट। देखिए ग्रिड लेआउट में रो हम बनाते हैं, रो के रूप में ग्रिड लेआउट आपका नाम ही है उसका। ग्रिड लेआउट जो अरेंज करता है कंपोनेंट रेक्टेंगुलर ग्रिड में होगा, और इसमें क्या दिया जाएगा, लेआउट सेट करेंगे, रो और कॉलम के रूप में डेटा स्टोर करेगा, ऐसे 1 2 3 4 5, ये ग्रिड लेआउट होगा। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल चला के दिखाता जा रहा हूँ। हमने कई जगह जब प्रोग्राम बनाए हैं उस समय कई जगह आया है कि कौन सा आप यूज करना चाहते हैं, और हमने लेआउट निर्धारित भी किए हैं। तो वो लेआउट जब हम निर्धारित करते थे तो अभी नल कर देते थे, अब आप उसमें ये निर्धारित कर सकते हैं कि बॉर्डर लेआउट में उसको देना चाहते हैं कि ग्रिड लेआउट में देना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आउटपुट मिलेगा जो लेआउट आप निर्धारित कर रहे हैं। ये देखिए ग्रिड के रूप में देगा 1 2 3, ये सारी बटन्स बना के अभी हम नॉर्मली दिखा रहे हैं। ये देखिए ये ग्रिड लेआउट होगा, तो ऐसे आप चला के देख लीजिएगा, ये लेआउट सेट करने के लिए है। लेआउट सेम उसी प्रकार से बटन्स बनाया, ठीक है, जे बटन्स यूज किया हमने, ये पूरी बटन्स यूज कर लिया है, ऐड किया कहाँ पे किसको ऐड करना है, लेआउट में ध्यान रखना सेट लेआउट ग्रेड, और कितने बाई कितने की बनाए, 3 बाई 3 की बनाए, ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं। देखिए 4 कर दिया मैंने, लेकिन चूंकि बटन से 3 के अकॉर्डिंग है तो 3 ही आएंगी, कम ज़्यादा भी 4 बाई 4 की भी कर सकते हैं। रो एंड कॉलम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको यूज कर रहे हैं। मैं एक बार इसको भी रन करके आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए इधर एक कॉलम बढ़ गया, इसमें ये रो, सॉरी रो हमने बढ़ाया था, रो बढ़ गई। ये देखिए इस प्रकार से हम रो, क्योंकि बटन नहीं है तो बटन नहीं आया। ओके, तो आगे अब देखते हैं। अब मुझे आपको थोड़ा सा स्विंग बताना था जे अपलेट क्लास के बारे में। देखिए जिस प्रकार से हमने अपलेट पढ़ा हुआ था और फ्रेम पढ़ा, उसी प्रकार से इसके बाद हमने जे फ्रेम पढ़ा, तो जे फ्रेम जैसे पढ़ा वैसे यूज कर सकते हैं जे अपलेट क्लास। जे अपलेट क्लास इज ए स्विंग जे पैनल, जो जे अपलेट यूज होगी किसमें होगी, जे पैनल, स्विंग के जे पैनल में होगी। इसका जो मिशन है GUI कंटेनर होगा, और एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी के साथ ही हमको AWT कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। तो कैसे मैं आपको दिखा दूंगा एक एग्जांपल, ये हैरिज की इसको समझाना चाहूँगा मैं आपको। ये देखिए आप यहाँ से ऑब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया, ये कंपोनेंट होते हैं, कंटेनर होते हैं, हमने पैनल सीखा, और यहाँ पे हमने अपलेट सीखा। अपलेट के अंदर जो हमने सीखा, देखिए जो भी ऑडियो क्लिप वीडियो कुछ भी हम दे सकते हैं। अपलेट के बाद एक स्टेप हमारा स्विंग होता है, ये हमारा कोर जावा का पैनल हुआ। इसके बाद हमने यहाँ अपलेट इसके साथ सीख लिया, इसके आगे जो स्विंग हम यूज करते हैं उसमें क्या यूज करते हैं, जे अपलेट, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे मैं एक डायग्राम आपको अब जे अपलेट का नॉर्मली समझा देता हूँ। जैसे ये ऑब्जेक्ट कंपोनेंट कंटेनर पैनल हमने सीखा हुआ था, इसके बाद अपलेट सीखा था, और इसी के बाद अपलेट में क्या आ जाता है, जे अपलेट। जे अपलेट मीन्स स्विंग, स्विंग देखिए क्या है, ये स्विंग अपलेट क्या होते हैं, एक्सटेंड फ्रॉम जावा एक्स, हमने हमको मालूम है, हम इसके डायलॉग बॉक्सेस भी यूज कर चुके हैं। जब हम स्विंग यूज करते हैं तो जावा एक्स का यूज करते हैं, यानी कि ये क्या है, जावा एक्स स्विंग जे अपलेट होगा। जावा अपलेट नॉर्मली हम इसकी जगह यूज करते थे, इसकी जगह अब हम ये क्या यूज करेंगे, जावा एक्स स्विंग जे अपलेट। जहाँ अपलेट बनाते थे उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अपलेट को बनाने के लिए हम लिखते थे मेन पैकेज जावा, फिर सब पैकेज अपलेट, और उसके अंदर क्लास थी अपलेट। ओके, और यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, स्विंग में जावा एक्स स्विंग और जे अपलेट यूजिंग द स्विंग कंपोनेंट। जैसे हम वहाँ यूज करते थे जावा, यहाँ यूज करते थे AWT कंपोनेंट को यूज करने के लिए जावा AWT, अब यहाँ यूज करेंगे जावा एक्स स्विंग, यहाँ क्या यूज करेंगे, जावा एक्स स्विंग। जावा एक्स स्विंग यानी कि सीधी सी बात है, स्विंग कंपोनेंट बीइंग विथ द प्रीफिक्स जे, सीधा सा सारा प्रोग्राम सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ उसके प्रीफिक्स में क्या ऐड हो जाएगा, जे। यदि जे लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, स्विंग। और जहाँ पैकेज है यदि जावा एक्स लगा देते हैं तो वो पैकेज किसका हो जाता है, स्विंग का। यदि जावा होता है तो वो नॉर्मल आपका कोर जावा का।
जैसे कंपोनेंट जे, ये हमने सब सीखा, टेस्ट फील्ड है तो जे टेस्ट फील्ड हो जाएगा, बटन है तो जे बटन हो जाएगा, पैनल है तो जे पैनल हो जाएगा, लेबल है तो जे लेबल हो जाएगा। रिट्रीव द कंटेंट पैनल कंटेनर फ्रॉम द टॉप लेवल कंटेनर जे पैन जे अपलेट गेट कंटेंट पैनल यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हम किसका यूज कर सकते हैं, जे अपलेट का। मैं एक दो एग्जांपल जे अपलेट की भी आपको बता देता हूँ। देखिए, ये हमने ग्रिड लेआउट सीख लिया। पहले तो मैं आपको देखिए जे अपलेट का एक नॉर्मल प्रोग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा अपलेट का प्रोग्राम था। मैंने आपके लिए जे अपलेट अलग से बना के रखे हुए हैं। ये देखिए, जे अपलेट पे कुछ प्रोग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अपलेट, एक तो ये हमारे पास प्रोग्राम है, और एक जे पैनल पहले मैं बना के आपको दिखा देता हूँ जे पैनल कैसे बनता है। नॉर्मली देखिए, यहाँ पे जे पैनल को यूज किया है। तो ए डब्ल्यू टी कंपोनेंट यदि आप चाहते हैं तो ठीक है, जावा एक्स स्विंग इवेंट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया जे पैनल नाम की क्लास, और देखिए ये स्मॉल है कैपिटल में, जे पैनल को एक्सटेंड किया और उसका बैकग्राउंड कलर सेट किया हमने, और ये कंपोनेंट लिया और यहाँ पे सीधा हम पेंट किए, और उसको पेंट करने के बाद उसको प्रिंट करा दिया। एक जे अपलेट का नॉर्मल प्रोग्राम यहाँ पे जे पैनल के रूप में हमने इसको लिया हुआ है। चूंकि ये अपलेट है, आपको रन करने में फिर चेंजेस करना होगा, अपलेट व्यूअर का यूज करना होगा, इसकी दो फाइल होनी चाहिए, HTML में भी होनी चाहिए और यहाँ कमेंट में लिखा होना चाहिए, ये आपको मालूम ही है। तो मैं इसको पहले रन करके आपको दिखा रहा हूँ। HTML फाइल इसकी नहीं है, हमको HTML फाइल इसकी बनानी पड़ेगी। देखिए, इसकी HTML फाइल नहीं है, तो इसको मैं सेव एज कर देता हूँ। .html, और इसको फिर से रन करते हैं। ये देखिए, ये जे अपलेट के रूप में आपका पैनल डिस्प्ले होगा। इस तरीके से आप अपलेट बना सकते हैं और जे अपलेट भी यूज कर सकते हैं। एक नॉर्मल प्रोग्राम मैंने जे अपलेट का बताया, ये कंपोनेंट के साथ मैंने एक प्रोग्राम बनाया, इसमें पैनल भी मैंने यूज किया है, कहाँ पे किसको ऐड करना है ये पूरा प्रोग्राम मैं समझा रहा हूँ। पहले आपको ये प्रोग्राम रन करके मैं दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं इसको समझा देता हूँ, जिससे आपको जे अपलेट भी समझ में आ जाए। सॉरी, .html चलाना है। ये देखिए, ये आपका आउटपुट है। यहाँ पे मैंने बटन भी इसमें देखिए ऐड किया है, कहाँ पे बटन ऐड है ये भी आप ध्यान दीजिए। मैंने आपको बॉर्डर लेआउट बना के दिखाया था नॉर्थ और साउथ के रूप में, और यहाँ पे प्रेस किया, इवेंट भी मैंने ऐड किया है कि यहाँ पे बटन प्रेस लिख दिया है। अब मैं इसको प्रोग्राम को समझा रहा हूँ जे अपलेट पे। सबसे पहले मैंने बताया था यहाँ पे जावा में, अभी तक जब हम AWT पैकेज का यूज करते हैं तो सीधा जावा लिखते हैं AWT। आप चूंकि हम स्विंग का यूज कर रहे हैं तो जावा एक्स लिखेंगे, और स्विंग
और एस्ट्रिक लगा दिया, यानी कि सारे कंपोनेंट इंपोर्ट किया, AWT इवेंट को भी हमने और एस्ट्रिक यूज किया। ओके, पब्लिक में गए, क्लास नेम लिया, यहाँ पे जे अपलेट आपने लिया है, अभी तक हम क्या लेते थे अपलेट, अब हमने लिया जे अपलेट। और यहाँ पे जो हमने अब टेस्ट बॉक्स लिया उनमें क्या लगा दिया, जे हमने बताया था, प्रीफिक्स आपका ऐड हो जाता है जे, तो जे। और एक नॉर्मल वेरिएबल लिया, यहाँ पे बटन लिया, देखिए जे लिख दिया, प्रेस मी, एक्शन लिसनर ऐड किया, ओके, एक्शन परफॉर्म ई आया, ये टेस्ट अपेंड जो करना है बटन प्रेस, यानी कि उसी में जुड़ता जाए। गेट कंटेंट पैन, ये हमने बताया था आपको, ऐड किया सेंटर, ये देखिए। और न्यू जी स्क्रॉल पैन भी हमने लिया, हमने समझाया था स्क्रॉल पैन भी यूज कर सकते हैं, मैंने इसका स्क्रॉल पैन भी यूज किया है और टेक्स्ट को डिस्प्ले किया। पैनल लिया जे पैनल के रूप में, पैनल ऐड किया बटन में, गेट कंटेंट्स पैन यू ऐड किया। और ये देखिए यहाँ पे जो हमने पैनल यूज किया कहाँ, साउथ, इसीलिए हमको वहाँ पे मिल रही थी बटन कहाँ पे, साउथ में, पैनल में हमने बटन ऐड किया और बटन को कहाँ किया हमने, साउथ। ओके, जावा वर्जन्स लिख के आएगा, जावा वर्जन्स, और यहाँ पे टेक्स्ट अपेंड किया अपलेट इनिट के माध्यम से, यहाँ पे गए अपलेट स्टार्टेड, और काउंट भी करता जाएगा, और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, स्टॉप भी कर दिया। ओके, ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया, इसको चला के जैसा कि मैंने दिखाया आपको साउथ में, फिर एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे स्क्रॉल बार भी यूज किया, जब ज़्यादा आपका डेटा आ जाएगा, ये देखिए। और यहाँ पे हमने पैनल के अंदर भी इसको ऐड किया हुआ है, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम टेबल भी इसके माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं, इसमें बॉर्डर लेआउट लेके हमने इसको काम किया है, मैं इसको भी आपको समझाना चाहूँगा। देखिए हमने ये क्या क्या यूज किया, क्लास ऐड कराया, मेन किया, जे फ्रेम हमने इसमें यूज किया, इसको जे फ्रेम में हमने बनाया है, स्विंग का मतलब है जे फ्रेम और जे अपलेट, ठीक है, कोर जावा का मतलब है फ्रेम और प्लस प्लस अपलेट। ओके, ये आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे लिया, देखिए हम टेबल भी बना सकते हैं, रो इस प्रकार से डिजाइन किया, कॉलम यहाँ पे हमने दिया 1 2 3, और जे टेबल हमने लिया, यहाँ पे टेबल बनाया, देखिए रो को रो में ऐड कराया, ये देखिए रो डेटा को, यहाँ पे रो डेटा हमने लिया था, आरे लिया था, 2D आरे के रूप में डेटा स्टोर कराया था, और यहाँ पे कॉलम हमने स्टोर कराया 1D आरे के रूप में। ओके, जे स्क्रॉल पैन हमने यहाँ यूज किया, ये मैंने बताया था कि इसमें हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी लेआउट जहाँ पे बताया था मैंने, ये लेआउट हम यूज कर सकते हैं स्क्रॉल पैन, इसको मैंने यूज किया है 2 बार। ओके, और यहाँ पे टेबल को ऐड किया, फ्रेम में स्क्रॉल पैन, बॉर्डर लेआउट, देखिए सेंटर, बॉर्डर लेआउट यूज किया, और क्या किया हमने इस बार, सेंटर, उस बार साउथ किया था, इस बार सेंटर। अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ, चूंकि ये जे फ्रेम में है, अपलेट पे नहीं है, तो इसको हम जावा से रन करेंगे और एंटर कर देंगे। ये देखिए बॉर्डर लेआउट सेंटर पे इस पे दिया हुआ है, ये देखिए ये कॉलम बना दिया, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, और ये इसकी रो हो गई, 1 रो है इसमें, आ गई 2 आ गई 3 आ गई। इस प्रकार से डेटा स्ट्रिंग आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्रिंट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अब मैं यहीं पे क्लोज करना चाहूँगा, आपको मैंने जे अपलेट भी पढ़ा दिया, यानी कि जे अपलेट भी आपके पास हो गया, अपलेट भी ऑलरेडी आपके पास है, और प्रोग्राम को रन करके भी आपको दिखा दिया, और प्लस मैंने आपको बॉर्डर लेआउट भी पढ़ाया है। तो ये वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ, और मंडे से आपकी क्लास अभी क्लोज हो जाएगी, और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आप
मैं इसे सेंड कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं बताता रहूँगा आपको। दूसरी बात, आपको ये भी ध्यान रखना है जैसा कि मैंने बोला कि आपको कहीं ना कहीं एक फॉर्म डिजाइन करके भेजना है। यदि आप नहीं भेजते हैं तो मैं आपको एक आउटपुट भेजूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को क्या करना है, डिजाइन करना है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं।